May I come in? यार मूवीज में हीरोज किसको पसंद नहीं आती, सबको पसंद आती है। आज हम एक रियल लाइफ हीरोज के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अपने 22 साल की उम्र में ही YouTube इंडस्ट्री में धमाका मचाए हुए हैं, जो पिछले एक साल में 4 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स अचीव कर ली है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं सौरभ जोशी के बारे में, जो कि एक छोटे से शहर खांसी से आते हैं, जो हरियाणा। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. सौरभ का जन्म 8 सितंबर 1999 को हुआ था। सौरभ के परिवार में उनके पापा, मम्मी हिमा जोशी, भाई साहिल जोशी के साथ उनके चचेरे भाई पीयूष भी रहते हैं और वादी जी भी रहते हैं। 1997 में उनके फादर काम के सिलसिले में दिल्ली आ गए थे, क्योंकि परिवार की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उनके फादर दिन रात मजदूरी करके परिवार को खर्चे चला रही थी। दिल्ली में कुछ समय बिताने के बाद वह हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में स्थित खांसी शहर चले आए। अनस्टेबल काम के चलते उनके फादर को कई बार अपनी घर बदलना पड़ा। काफी घर बदलने के बाद फाइनली उनके फादर ने किराएदार से उन्होंने मकान खरीद लिया। इसकी फलस्वरूप सौरभ ने क्लास 12 तक 5 स्कूल बदल चुके थे, वो पढ़ने में एवरेज स्टूडेंट थे। दोस्तों और रिश्तेदारों के सलाह के बाद उन्होंने आर्किटेक्चर करने की सोची, इसलिए वो इसकी प्रिपरेशन के लिए दिल्ली चले गए फॉर कोचिंग। एक साल की इस कोचिंग के दौरान उन्होंने काफी कुछ सीखा, लेकिन दिल्ली में रहते हुए एक साल की कड़ी मेहनत के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया फॉर आर्किटेक्चर। बात है 2017 की, जब उनके भाई शुभम जोशी ने सौरभ की ड्राइंग और स्केच को देखकर सौरभ को सलाह दी कि उसे इस टैलेंट को दुनिया को दिखाना चाहिए। अपने उस भाई की बातों को मानकर उन्होंने अपना पहला आर्ट से रिलेटेड चैनल क्रिएट किया, जहां 24 जुलाई 2017 को उन्होंने अपने पहले वीडियो अपलोड की थी। समय के साथ साथ उन्हें यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट करते हुए काफी मजा आने लगा। इसके बाद वो फ्लाइंग विड से इंस्पायर होकर अपना एक ब्लॉगिंग चैनल क्रिएट किया, जहां पर वो डेली रोज ब्लॉग वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। वेलकम माय टू चैनल। अपने पसंदीदा स्केच आर्टिस्ट की डेली लाइफ को जानने के लिए उनके सब्सक्राइबर्स उनकी व्लॉग चैनल को भी देखना स्टार्ट कर दिया। जल्द ही उसके चैनल में 20,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद सौरभ को कंपनी स्पॉन्सर भी करने लगी। इसके बाद कोरोना के चलते देश में 24 मार्च 2020 को पूरे देश भर में लॉकडाउन लग गया था, जिसके बाद सौरभ को बाहर ब्लॉगिंग करने के लिए मुश्किल हो रहा था। इसके बाद सौरभ ने फैमिली के साथ घर पे ही ब्लॉगिंग बनाया, जिसको दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया। उनके वीडियो पे उनकी सिंप्लिसिटी और डाउन टू अर्थ की वजह से लोगों को उनकी वीडियो काफी ज्यादा पसंद आने लगा और लोग उनके ब्लॉग से अपने आप को काफी ज्यादा कनेक्ट करने लगे। ऊपर से पीयूष की नटखट हरकतें उसके ब्लॉग का 4 चांद लगा देती है। इसके बाद वो यूट्यूब में काफी माइलस्टोन्स कंप्लीट किए। फाइनली वो 26 जून 2021 को इंडिया की नंबर 1 ब्लॉगर चैनल बने। आज उसका सब्सक्राइबर बेस 15 मिलियन से भी ज्यादा है। आज वो अपनी सिंप्लिसिटी और पॉपुलरिटी के वजह से पूरे देश में फेमस है। वीडियो आप लोगों को पसंद है तो फिर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं एक नए नॉलेज के साथ। बाय।